प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू. आप सभी ने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, बहुत अच्छे अच्छे विचार रखे. इनफैक्ट हमने आपसे सीखा, हमें बहुत कुछ पता नहीं था. आप सब तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं. अपने लिए तालियां बजाइए. बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा बोला. जो बच्चे, कुछ बच्चे थे जो थोड़ा बहुत घबरा रहे थे, आई थिंक उनका हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट हो, लेकिन आप सभी विनर्स हैं अपने आप में, क्योंकि स्कूल ने जो भी आपके बेस्ट होंगे उन सबको ही तो भेजा होगा ना. तो इसलिए आप सभी बेस्ट हैं एंड यू ऑल आर विनर्स. तो आगे, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगी कि ये जो हम अर्थ डे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये एक दिन का वो नहीं होना चाहिए. कि हमारा एक, ये सिर्फ अवेयर करने का एक तरीका है ताकि आप लोग पढ़े, उसके बारे में जाने और उस पे, लेकिन प्रैक्टिकली उसको करें भी. और ये थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए कि हमारा जो भी हम प्रोटेक्शन कर रहे हैं अर्थ की, ये क्यों जरूरी है. अब हम लोगों की तो बड़ी सारी उम्र हो गई है, हम लोग तो निकल जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन आप फ्यूचर हैं और आप लोगों को ही ज्यादा दिक्कत आने वाली है. इसलिए आप लोगों को अभी से अवेयर होना चाहिए अपने आसपास, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई बहनों को, हर एक किसी को, बल्कि अवेयर करना है. और हमारी धरती को, धरती को माँ क्यों बोलते हैं? आप सबने देखा, सबने बोला कि धरती हमें सब कुछ दे रही है, बदले में हमसे कुछ भी नहीं लेती. लेती है क्या? हम देते हैं धरती को कुछ, उसे लेते जा रहे हैं, लेते जा रहे हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं, है ना. लेकिन धरती हमसे क्या मांगती है बदले में? एक थोड़ी सी सेंसिटिविटी, थोड़ी सी केयर, जो हम बड़े आराम से कर सकते हैं, है ना. माँ भी तो यही चाहती है, करती है ना. माँ भी हमें देती ही देती है ना. आप सब बच्चे हैं, आप सबकी माएं हैं, तो माँ भी आपको देती ही है. माँ ही जन्म देती है, माँ ही आपका ध्यान रखती है. लेकिन माँ क्या चाहती है? कि आप थोड़ा सा उसके प्रति संवेदनशील रहें, उसकी भावनाओं को समझें. और धरती भी यही चाहती है ना. ठीक बात कह रही हूँ कि नहीं, है ना. सो थैंक यू सो मच. आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, सभी टीचर्स जिन्होंने जो यहाँ पर लेकर आए, इनको ग्रूम किया इसके लिए, आपके सभी प्रिंसिपल्स. और सबसे ज्यादा धन्यवाद है मिसेस अनुजीत कौर, डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर, जिनके परमिशन के बेस से आप यहाँ सब, आपने पार्टिसिपेट किया है. और मैं थैंक यू करना चाहूंगी हमारे जजेस का, डॉक्टर हीरोजीत एंड डॉक्टर मदनलाल, और प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11, जिन्होंने इनको परमिट किया यहाँ आने के लिए. और सब बच्चों को इतना अच्छे उन्होंने शब्द बताए, डॉक्टर हीरोजीत ने, जो हमारे लिए एक अवेकनिंग है. अगर हम आज नहीं जागे तो फिर मुझे नहीं लगता कि हम कभी जाग पाएंगे. और हमें वो भी नहीं दिन आना चाहिए जो आज यूएसए का हो रहा है और हमारे इंडिया का आ जाए, या विश्व का आ जाए, पूरी धरती का आ जाए. तो आज हमारे हाथ में है कि हम उसको कुछ कर सकते हैं, उसको बचा सकते हैं, तो हमें बचा लेना चाहिए. राइट, थैंक यू सो मच. सभी उपस्थित गणमान्य लोगों का मेरा हार्दिक अभिनंदन, स्वागत. अभी हमने धरा की अपनी मातृभूमि के बारे में बहुत सारी बातें की हैं. मैं एक मिनट की छोटी सी एक्टिविटी आप सभी से करवाना चाहूँगी. जो आज पृथ्वी एहसास कर रही है, जिसको फील कर रही है, आप करके देखिएगा. उसमें मैं चाहूँगी कि टीचर्स, बच्चे, जजेस सभी इन्वॉल्व हुए. एक मिनट का टाइम मैं देती हूँ, चाहे आप अपनी स्टॉप वॉच से नोट कर लीजिए. सारे अपनी माउथ और नोज स्टिल को बंद कर लें सारे, प्लीज. इट्स ए वेरी सिंपल एक्टिविटी जो समझेगी आज पृथ्वी की गर्मी को. एक मिनट का टाइम, और जिसको घबराहट होने लगी है प्लीज वो खोल सकते हैं अपने नोज स्टिल को. यस, अंदर से कुछ फीलिंग आ रही है, बॉडी के अंदर का प्रेशर राइज हो रहा है. क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी देर के लिए हमने रोक ली है. ये वही कार्बन डाइऑक्साइड है जो हमारी एयर में ग्लोबल वार्मिंग का कॉज बन रही है. जब हम एक मिनट के लिए इस कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर नहीं रख सकते, तो सोचिए हमारी पृथ्वी जो एयर प्रोवाइड कर रही है, एटमॉस्फेयर हमें दे रही है, वो कैसे इसमें सांस ले पा रही है. तुम कहोगे कि धरा तो निर्जीव है,
अरे निर्जीव कैसे है, जिसके आंगन में इतने सारे सजीव जीवित हैं तो उसको हम निर्जीव कैसे कह सकते, नहीं कह सकते। बच्चों आज मैं मोटिवेशन के लिए एक छोटी सी बात आपको कहना चाहूंगी। ये कहना चाहूंगी, एक गांव में आग लगी हुई थी और एक चिड़िया आई नदी पे जे गई, एक बूंद पानी भरे और उस आग में डाल के आ रही है, फिर गई फिर भरी। वहां पे एक महात्मा जी बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि तू तो इतना छोटे से पक्षी है, वहां पूरा गांव जल रहा है, लोग बाल्टियों से लग रहे हैं, मशीन लगा रखी है, पानी के पाइप छोड़े हुए हैं, तब आग नहीं बुझ रही, तो तेरी एक ड्रॉप से क्या होगा। तो जानते हो बच्चों उस चिड़िया ने क्या जवाब दिया कि महात्मा जी मैं जानती हूँ मेरी भूल से कोई आग नहीं बुझने वाली, लेकिन मैं परमात्मा के दरबार में यह दस्तक तो दे सकती हूँ कि मैंने कोई सत्कार्य करने में अपना योगदान दिया। तो वही योगदान, वही प्रॉमिस मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि धरा को बचाने के लिए मैं अपने लेवल पे कोई एक्स्ट्रा पोल्यूशन ना करें। सोच के देखिए, डे नाइट हम अपनी सराउंडिंग को पॉल्यूट कर रहे हैं, पर जिन चीज़ों को अवॉइड किया जा सके वो तो हम कर ही सकते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल, डीओ अगर हम लगा रहे हैं उसमें एरोसोल्स होते हैं, वो सराउंडिंग की एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं। जो लोग ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं उनको ब्रीदिंग से रिलेटेड डिजीज हो सकती है, तो क्या डीओ के बिना सर्वाइव नहीं किया जा सकता। अब एक बात कड़वी जरूर लगेगी, पर याद रखना, जो लोग ज्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम और डीओ लगाते हैं वो अपने अंदर की बदबू को छुपाते हैं। याद रखना इस बात को, अपने आप के अपने बॉडी को अच्छे से क्लीन करो, आपको बाहर की खुशबू की जरूरत नहीं है, आपके अंदर इतनी अच्छी खुशबू है उसको अपने सराउंडिंग में फैलाने की कोशिश कीजिए। एक छोटी सी और मैं मोटिवेशनल बात कहना चाहूंगी, जो बच्चे यहाँ स्टेज पे आए हैं उन बच्चों को आज सारे निर्णायक गण कहाँ देखना चाहते हैं। देखिए, एक क्लास लगी हुई थी, एक गुरुजी कोई एक्टिविटी करवा रहे थे ऐसे छोटी सी ही, उनमें कहा कि बच्चों आप लोग थोड़ा सा सोच के बताइए, डिक्लामेशन में क्या होता है, सोचना प्लस करना। कहते हाँ जी, क्या? कि मैं आप सबको 100-100 रुपए के नोट देता हूँ और मैं बदले में सिर्फ ये चाहूंगा कि आप उन नोटों का क्या करोगे। सारे बच्चों को से व्यूज पूछे, अच्छा आप बताइए। ये हालांकि कल मैंने अपनी क्लास में भी की, तो सारे बच्चे कह रहे, कोई कह रहा जी मैं पार्टी करूंगा, कोई कह रहा ज्योमेट्री बॉक्स खरीदूंगा, कोई कह रहा है जी मैंने बचा के रखने हैं, खासकर गर्ल्स का यही रिस्पॉन्स आया कि हमने सेव करना है। मैं कह, इन्हें तो अभी से आदत डल गई, आगे भी सेव ही करना है। तो किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। लास्ट में एक बच्चा बैठा हुआ था, उसने कहा कि सर मैं अपनी माँ के लिए चश्मे खरीदूंगा। सर बोले कि वो चश्मे तो तुम्हारे पापा भी खरीद के दे सकते हैं। लड़का बोला, सॉरी सर, मेरे पापा नहीं हैं और मेरी माँ लोगों के कपड़े सिल के मेरे पढ़ाई का इंतजाम करती है, हमारे खाने का इंतजाम करती है, तो मैं चाहता हूँ कि इन 100 रुपयों से मैं उनके लिए चश्मे खरीदूँ ताकि उनके हाथ में सुई ना लगे और सिलाई ढंग से कर सके। गुरु जी उस बच्चे की बात से इतने प्रभावित हुए बच्चों, उन्होंने कहा बेटा ये 100 रुपये तो तू इनाम के लिए जो मैंने अभी प्रॉमिस किया था, और 100 रुपये तू एक्स्ट्रा ले, ये मैं तुझे उधार दे रहा हूँ। जिस दिन तू कमाने लग जाएगा तो मेरे रिटर्न कर देना, और जब रिटर्न करने आएगा तो मैं तुझे गले लगाऊंगा, उस टाइम मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी महसूस होगी। जी हाँ बच्चों, टीचर को ऐसी ही खुशी महसूस होती है। अब 15 साल बाद में फिर बहुत तेज बारिश हो रही थी, गुरुजी अपने स्टाफ रूम में बैठे हुए थे, उनका पीरियड नहीं लगा हुआ था, और पूरी स्कूल में सन्नाटा छा गया। सारे कहते हैं भाई लंबी सी गाड़ी, एम्बेसडर गाड़ी आके रुकी है, बाहर डीसी साहब आए हैं, स्कूल में पूरा डिसिप्लिन होना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत युवक निकल के गाड़ी से आता है और सीधा पूछता हुआ उन गुरुजी के पास पहुंच जाता है, और गुरुजी हक्के बक्के रह गए, भाई डीसी साहब मेरे पास आए, एक बार तो डर तो लगता है नेचुरली, बड़ा जो ऑफिसर होएगा आएगा इंस्पेक्शन के लिए, वो डर गए। तो वो बच्चा जाके गुरुजी के चरणों में झुक जाता है और पॉकेट से निकाल के कहता है, गुरुजी मैं आपके 100 रुपये देने आया हूँ। गुरुजी ने कहा, बेटे इन पैसों की जरूरत नहीं है, तू मेरे गले लग जा, आज मुझे एहसास हो गया
कि हाँ मैं सही मायने में गुरु हूँ। तो बच्चों, आप में से कोई अगर साइन करेगा, अच्छी पोस्ट पे जाओगे, पैसे घर वालों को दोगे, लेकिन हमें बताते हुए भी इतनी खुशी होगी कि ये बच्चा मेरे से पढ़ के गया है, ये आज उस जगह पे पहुंचा हुआ है। हमारे बीच में एक बच्चा बैठा हुआ है, यंग साइंटिस्ट, जिसको इसरो ने, आइए बेटे आ जाइए। अभी अभी इसरो में इसकी सिलेक्शन हुई है, तो आप में कोई नेता भी बैठा है, आप में कोई बेस्ट टीचर भी बैठा है, इस बच्चे के लिए मैं क्लैपिंग करवाना चाहूंगी। क्विज कंपटीशन में पूरे चंडीगढ़ में गवर्नमेंट स्कूल्स में ये बच्चा फर्स्ट रहा है। तो जो आए हैं यहाँ पे, आप में कल के नेता छुपे हैं, आप में कल के अध्यापक छुपे हैं, आप में कल के IAS ऑफिसर छुपे हैं। अगर आप मन से ठान लोगे कि मैंने वहां पहुंचना है, अपनी नजर सीधी रखोगे, अगर एक बार सफलता नहीं मिली तो उसे ये सीख लोगे कि ये रास्ता ठीक नहीं था, मुझे पहुंचना वही है लेकिन मैं इधर से जाऊंगा। यही बात कही थी ना आइंस्टीन जी ने, कि मैंने जो सॉरी थॉमस अल्वा एडिसन ने, कि 1000 टाइप के जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं वो बल्ब बनाने में सक्सेस नहीं हुए। तो बच्चों, मेहनत करना है और चंडीगढ़ का नाम ही नहीं, हमारे भारतवर्ष का नाम भी पूरे विश्व में आपने रोशन करना है। जय हिंद, जय धरा, जय सभी का।